मोबिन मलिक साहब गुलाम हैदर का केस छोड़ रहे हैं। सीमा हैदर लगातार रोकने की कोशिश कर रही है। क्या सच में मोबिन मलिक सर ये करेंगे? सारी सच्चाई आपके सामने है। आज अपनी वीडियो के माध्यम से आपको सारा सच बताऊंगी, क्योंकि लगातार एक पाकिस्तानी इनलीगल घुसपैठी के द्वारा मोबिन मलिक सर को रोकने का प्रयास करा जा रहा है। कोशिश कर रहे कि गुलाम हैदर को भारत आने से रोका जाए, क्योंकि यही एकमात्र जरिया है उसके पास बचने के लिए। और उसके अलावा सीमा हैदर के पास कोई रास्ता नहीं है जिससे वो इस क्राइम से बच सके। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लगातार सीमा हैदर कानून तोड़ रही भारत का, और लगातार मोबिन मलिक पर इल्ज़ाम लगाए जा रही है। उनके भाई जो है एपी सिंह, वो स्क्रिप्ट लिख कर दे देते हैं, उसको पढ़कर सीमा हैदर मोबिन मलिक सर पर लगातार पर्सनल अटैक कर रही है। और उसका एक ही रीज़न है कि गुलाम हैदर को भारत आने से रोका जाए, गुलाम हैदर अपने बच्चों की लड़ाई ना लड़ पाए, गुलाम हैदर सीमा हैदर को उसके किए की सजा ना दे पाए। इस कारण सीमा हैदर लगातार उन पर पर्सनल अटैक कर रही है। आज दोस्तों, कल मेरा वीडियो नहीं आ पाया, आज सुबह लेट आया, क्योंकि किसी रीजन से फील्ड का काम होता है, फंस जाते हैं, और मैं किसी काम में व्यस्त हो गई थी, इसलिए आज मेरा वीडियो लेट आ रहा है। और आज मैं आपको सारी बातें बताऊंगी कि सीमा हैदर किस तरीके से लगातार मोबिन मलिक को रोकने का प्रयास कर रही है। और मोबिन मलिक सर ने कहा मैं गुलाम हैदर का केस छोड़ दूंगा। क्यों छोड़ दूंगा ये मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मोबिन मलिक पर अटैक किया जा रहा है, पर्सनल अटैक किया जा रहा है, उसको लेकर मोबिन मलिक सर ने कुछ दावे किए हैं। अगर वो दावे मोबिन सर के सच हो जाते हैं, और जो शर्तें उन्होंने रखी है वो शर्तें एपी सिंह और सीमा हैदर मान लेते हैं, तो मोबिन मलिक सर इस केस से हट जाएंगे। वो गुलाम हैदर का केस नहीं लड़ेंगे, गुलाम हैदर को उनके बच्चे नहीं लौटाएंगे, सीमा हैदर को सजा नहीं देंगे। मोबिन मलिक सर ने ये बात कह दी है, अगर गुलाम हैदर के ऊपर एपी सिंह साबित कर दे कि उसके ऊपर कोई भी ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी है जिसके तहत गुलाम हैदर ने भारत का कानून तोड़ा है, भारत की संप्रभुता को हरेस किया है, भारत की जो संस्कृति है उस पर कुछ गलत वो किया हो, और या ऐसा कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी उस पर साबित होती है, तो मैं ये केस छोड़ दूंगा, मैं गुलाम हैदर की लड़ाई छोड़ दूंगा, गुलाम हैदर के बच्चों की लड़ाई नहीं लड़ूंगा। और मोबिन मलिक सर ने यह भी बोला है, अगर गुलाम हैदर का पाकिस्तान में कोई ऐसा रोल पाया जाता है जिसके कारण पाकिस्तान गवर्नमेंट या हिंदुस्तान किसी को भी गलत मैसेज जाता है, या गुलाम हैदर के ऊपर ऐसी धाराएं लगी है, गुलाम हैदर ने भारत की संस्कृति, संप्रभुता और शांति व्यवस्था पे अगर खतरा मंडराया है, उस वजह से भारत की संस्कृति पे सवाल खड़े हुए हैं, तो वो गुलाम हैदर की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। और इन शर्तों के साथ उन्होंने चैलेंज किया है कि अगर एपी सिंह और सीमा हैदर ये साबित कर देते हैं कि गुलाम हैदर कहीं से कहीं तक गलत पाया जाता है, तो वो सीमा हैदर केस को छोड़ देंगे और गुलाम हैदर की लड़ाई को वहीं पे ख़त्म कर देंगे। तो दोस्तों, ये एक सीमा हैदर जो लगातार पर्सनल अटैक कर रही है मोबिन मलिक सर को रोकने का, और उसका एक ही प्रयास है कि गुलाम हैदर भारत ना आ पाए। वो जिस तरीके से यहाँ अय्याशी कर रही है, मनमानी कर रही है, तमाम चीज़ें कर रही है, भारत के लोगों को चैलेंज कर रही है, भारत की संस्कृति पर सवाल खड़ा कर रही है, वो सवाल खड़ा करने में वो उसको कोई रोक ना पाए, लगातार वो कोशिश कर रही है, और तरह तरह की स्क्रिप्ट लिख कर जो उसको दिया जा रहा है उसको पढ़कर सुना रही है, क्योंकि ये इनलीगल एक घुसपैठी है, ये भारत की महिला नहीं है, भारत की नागरिक नहीं है, भारत में इसका कोई अधिकार नहीं है, लेकिन ये लगातार कानून का हनन कर रही है, भारत की संस्कृति को कष्ट पहुंचा रही है। और इसको लेकर अब सभी लोग फील्ड में उतर चुके हैं, और फिलहाल सीमा हैदर लगातार भारत का कानून तोड़ रही है। जितना ये कानून तोड़ेगी, जितनी संस्कृति को कष्ट पहुंचाएगी, जितनी भारत की सभ्यता को नुकसान पहुंचाएगी, उतनी ही ये धाराओं में फंसेगी। फिलहाल इस पर 10-20-22 जो भी है धाराएं लग चुकी हैं, और अब ये जो कर रही है लगातार, इस पर और धाराएं लगेंगी। यहाँ पर यह बात बता दूँ, इसने मोबिन मलिक सर को लेकर कुछ सवाल खड़े किए हैं। इसने जो एक मोबिन मलिक सर का वो डिटेल निकाली है, जिसमें 2020 में 22 में शायद उन पर कुछ ऐसे किसी महिला ने आरोप लगाए थे, वो आरोप मोबिन मलिक सर ने कानूनी तरीके से उसका जवाब दे दिया था उस महिला को, और उसके द्वारा जितने लोग थे जिन्होंने भी एक मोबिन मलिक सर पर केस डाला था, वो अरेस्ट हुए और वो ख़त्म हो चुका था 2022 का। और इस महिला ने क्या किया है, 2020 में वो उठाकर वो कागज़ उस महिला से मिलकर जो मोबिन मलिक सर की अगेंस्ट थी, जो मोबिन मलिक सर
के खिलाफ थी और उस मौके का फायदा उठा के उससे मिलकर इसने मोमिन मलिक सर के वो नोटिस वहां पे डाला है। 2024 चल रहा है तो 2 साल पहले का ये डालने का क्या मतलब होता है? मतलब कहीं ना कहीं ये उखेल रहे ये चीजों को कि निकालो मोमिन मलिक सर पर पर्सनल अटैक करो। मोमिन मलिक सर ने चैलेंज किया है कि मेरे ऊपर साबित करके दिखा दो, क्योंकि वो इस चीज़ से बरी है और उस महिला ने जिसने गलत किया था उसको सजा भी मिल चुकी है। तो फिलहाल समझ नहीं आता इस महिला की बुद्धि कहाँ चली गई, इसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर इसके पास रास्ता बचता तो इस तरीके का हरकत नहीं करती। इसके भाई एपी सिंह से कहना चाहूँगी, भाई कानूनी तो आप नहीं हो उसका कुछ भी, अगर बहन का भी रिश्ता निभाते हो तो वफादारी से निभाओ, क्योंकि चाहे कुछ भी हो भरोसा किया है तुम पे भारी पाकिस्तानी इनलीगल घुसपैठी से ही, आपने उसे सपोर्ट किया, आपने बढ़ावा दिया, क्योंकि हमारा इंडिया का कोई भी व्यक्ति उसे सपोर्ट नहीं करता। फिलहाल इसके कुछ कुत्ते जो गाली गलौज देते हैं, तो भाई देते रहो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम आप जैसे लोगों के लिए नहीं आते, हम सच के लिए आवाज़ उठाते। तो हमें पता है आप जैसे कुत्ते इर्द गिर्द भौंकते रहेंगे, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता भाई। हमें सामने से चैलेंज करते लोग कमेंट्स के माध्यम से, आप किसी को क्या चैलेंज करोगे? आप कहते हो हम कट्टर हिंदू सनातनी हैं, तो एक कट्टर पाकिस्तानी इनलीगल घुसपैठी जो हमारे देश का बॉर्डर क्रॉस करके आई है, अगर आप कट्टर हिंदू होते, भारत देश के सच्चे देशभक्त होते, तो आप इतना नीच गिरा हुआ घटिया काम नहीं करते। क्योंकि आप जैसे लोग जब नीच गिरा हुआ घटिया काम करते हैं ना, तो हम जैसे लोगों को खड़े होकर जवाब देना पड़ता है। फिलहाल मोमिन मलिक सर के साथ हम हैं सपोर्ट में, और गुलाम हैदर भाई आपके लिए मैसेज है, मुझे पता है आप देखते हो वीडियो, तो आपके लिए मैसेज है, आप आओ भारत देश में, आपका स्वागत है, आपको आपके बच्चे मिलेंगे, हमारा कानून देगा, हमारा कोड देगा। मेरा एक ही लक्ष्य रहता है सोशल मीडिया पर बहुत सारा पैसा कमाना नहीं, सोशल मीडिया पर सच का साथ देना, और गुलाम हैदर जिसे डराए जाने की कोशिश की जा रही है हम उसके साथ हैं और एक ही आवाज़ उठाते हैं कि जस्टिस फॉर गुलाम हैदर, बच्चे मिलने चाहिए, क्योंकि बच्चे एक ऐसे हाथों में हैं जो हाथ आज सुरक्षित नहीं है, जो खुद सेफ नहीं है, और बच्चे यहाँ पे फंसे हुए हैं। वो बच्चे उसके पिता को मिलने चाहिए जो कि उसका बायोलॉजिकल फादर है। और कुछ गुलाम हैदर के बच्चों को लेकर सवाल उठ रहे हैं सोशल मीडिया पे, लोग कह रहे हैं कि बच्चे इसके नहीं हैं, किसी और के हैं। कल किसी ने मोमिन सर से सवाल भी किया था, तो उनका कहना था जो उनका वीजा पासपोर्ट है उस पर जो फादर का नाम है वो गुलाम हैदर का है, और हमारा कोर्ट हमारा कानून सबूत मांगता है। मुझसे भी कई लोगों ने सवाल किए थे कि बच्चे गुलाम हैदर के नहीं हैं, ये उसका जो ये सीमा हैदर का जो आशिक है जो आ रहा है उठकर, मैं तो नहीं जानती कितना सच है कितना गलत है, क्योंकि भाई जब तक मुझे पूरा प्रूफ सामने नहीं मिलता मैं वो चीज़ें बोलती नहीं हूँ। तो जो दावा कर रहा है कि बच्चे मेरे हैं, क्या इस वेस पर बच्चे गुलाम हैदर को नहीं मिलेंगे? ये सवाल था मेरे पास बहुत सारे लोगों का। तो आपको बता दूँ कोर्ट सबूत देखता है, और सबूत जो है एविडेंस जितने भी कोर्ट में हैं और जितने भी गुलाम हैदर के बच्चों के पासपोर्ट में है, सीमा हैदर के पासपोर्ट में जो नॉमिनी का नाम है वो गुलाम हैदर का है, इस बेस पर गुलाम हैदर को ही बच्चे मिलेंगे, क्योंकि उसका बायोलॉजिकल फादर कोई भी हो लेकिन उसका जो लीगल तरीके से है वो गुलाम हैदर है। आप टेंशन मत लीजिए, मुझे कई सारे सवाल आए थे कि दीदी जो दावे करे जा रहे हैं उस बेस पर तो गुलाम हैदर को बच्चे नहीं मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, कानूनी तौर पर गुलाम हैदर के ही बच्चे हैं, क्योंकि वही उनका पिता है, सारे डॉक्यूमेंट्स में उसी का नाम है, इसलिए गुलाम हैदर को राइट बनता है कि वो आए अपने बच्चों की मांग रखे, और भारत सरकार उसकी मदद करेगी, भारत की जनता उसकी मदद करेगी। गुलाम हैदर ने हमारे भारत की जनता से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया है कि मेरी मदद करे, तो भारत की जनता उसकी मदद करेगी और बच्चे गुलाम हैदर को मिलने चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का अपडेट, और सीमा हैदर की छिट्टी पिट्टी बज चुकी है, अब सीमा हैदर के होश खापता हो चुके हैं, वो गाली गलौज के अलावा कुछ नहीं कर सकती, सवाल खड़ा करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती, और लप्पू जो इतना बोल रहा है, लप्पू को पता नहीं है कि जब बैंड बजेगी भाई बचने के लिए रास्ता भी चाहिए। खैर रास्ता उसने खुद नहीं छोड़ा, हम क्या कर सकते हैं, उसकी अपनी वो है। आप लोग जो लोग गुलाम हैदर को सपोर्ट कर रहे हैं, आपका दिल से थैंक यू, धन्यवाद आपका, क्योंकि आप सच के साथ खड़े हैं, सच का साथ दे रहे हैं। एक इससे बड़ा इंसानियत मुझे नहीं लगता दुनिया में कुछ है। जो लोग कहते कमाने के लिए आ रहे हैं, जाहिर सी बात है बिल्कुल कमाने के लिए आ रहे हैं, आप भी कमाइए, हम कहते हैं आप भी कमाइए, टैलेंट से कमाइए, सच का साथ देके कमाइए, गलत तरीका मत अपनाइए। ठुमके लगा के जो ये औरत कई लोगों का घर भर रही है ना, तो आप लोग खुश होंगे इससे, हमें दुख होता है कि एक इनलीगल घुसपैठी औरत हमारे देश में आके घुस के ये गंद मचा रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। हम कुछ क्यों नहीं कर पा रहे ये भी आपको पता है?
कानून से बंधे हुए हैं, कानून पे भरोसा है और कानून बड़ा तगड़ा काम कर रहा है और इसका बहुत जल्दी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका अपने वीडियो के माध्यम से समाज में एक अच्छी प्रेरणा लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना, नेक्स्ट टाइम वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से।